नमस्कार दोस्तों, टिप्स एंड ट्रिक में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है मोहित। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे घर बैठे बिना बैंक में विजिट किए हुए अपने बैंक अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। यदि दोस्तों आप एक यूट्यूबर हैं या फिर आप एक ब्लॉगर हैं या फिर आप एक आम आदमी हैं तो आपको बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए कितनी परेशानी उठानी पड़ती है, कितने सारे आपको डॉक्यूमेंट लेके जाने पड़ते हैं, लाइक आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, साथ में आपको एक गारंटर विजिट कराना पड़ता है और इतना लंबा सा एक लेंथी सा आपको फॉर्म फिल करना पड़ता है चाहे आप किसी भी बैंक में चले जाइए। लेकिन दोस्तों आज मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से घर बैठे, आपके पास चाहे लैपटॉप हो या ना हो, आपके पास एक एंड्रॉइड मोबाइल भी होगा तो जस्ट वन क्लिक से, जी हाँ दोस्तों सिर्फ एक वन क्लिक से एक मतलब इंस्टेंटली आप अपने बैंक अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। और एक ऐसा बैंक जो आपको खुलते ही जीरो बैलेंस पे खुलेगा, सीधी सी बात है जीरो बैलेंस पे खुलेगा, आपको कोई डिपॉजिट नहीं कराना है, कोई भी बैंक के मेंटेनेंस चार्जेस नहीं है। अकाउंट के ओपन होते ही आपको मोबाइल बैंकिंग दी जाएगी, नेट बैंकिंग दी जाएगी और साथ में एक वर्चुअल डेबिट कार्ड भी दिया जाएगा। फिर बाद में वो आपकी इच्छा है कि आप वर्चुअल डेबिट कार्ड लेते हैं या फिर प्लास्टिक डेबिट कार्ड लेते हैं। और दोस्तों यदि आप एक यूट्यूबर हैं या फिर ब्लॉगर हैं, आपकी कोई ऑनलाइन अर्निंग आती है तो दोस्तों इस तरीके के बैंक आपके लिए काफी बेनिफिशियल है जो कि आपको इतनी सारी सर्विस प्रोवाइड कराते हैं और काफी अच्छा है। ये प्राइवेट बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक की हम बात करेंगे और इसी बैंक में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से जो है अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो दोस्तों आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से मोबाइल ऐप इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद अपने बैंक अकाउंट को ओपन करेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि ये एक फ्री है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको प्ले स्टोर पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप प्ले स्टोर पे क्लिक करोगे आपको यहाँ पर सर्च करना होगा कोटक महिंद्रा, जो है सबसे पहले 811N मोबाइल बैंकिंग ऐप आ रही है, आपको इस पर क्लिक कर देना है और जो ये आपको दिखाई दे रही है आपको सिंपल इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो जैसे ही आपकी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाए तो आपको जस्ट सिंपल इसको ओपन कर देना है। ओके, आपको एक्सेप्ट पर क्लिक करना है। ओके, अब ये यहाँ पर दिखा रहे हैं कि आप पहले से रजिस्टर हैं या फिर न्यू हैं, तो आपको गेट स्टार्टेड नाउ पे क्लिक करना है। ओके, यहाँ पर आपको अपना पूरा नाम डालना है। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, जो भी आपका मोबाइल नंबर है या फिर जिस भी मोबाइल से आप बैंक में रजिस्टर करना चाहते हैं। तो उसके बाद आपने जो नंबर डाला था उस पर आपका OTP आया होगा, आपको वो OTP यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद आपको कंटिन्यू पर टैप करना है। उसके बाद ये दोस्तों आपसे आपका आधार नंबर मांगेगा, यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डालना है। जैसे ही आप अपना आधार नंबर डाल दोगे उसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। ये आपसे पूछ रहा है आई एग्री एंड हियर बाय ऑथोराइज कोटक टू फेच माई पर्सनल डिटेल, आपको जस्ट कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। ये कह रहा है कि जो मेरा मोबाइल नंबर है वो मेरे आधार कार्ड के साथ जो है वो रजिस्टर नहीं है, लेकिन उसके बाद भी मैं अपना अकाउंट ओपन कर सकता हूँ। आपको यहाँ पर अगर आप मेल है तो मेल, अगर फीमेल है तो फीमेल पर क्लिक करना है। तो मैं मेल पे टैप करता हूँ और यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है वो मैं सेट करूँगा। उसके बाद आपको कंटिन्यू पर डालना है। यहाँ पर आपको अपना जो है वो एड्रेस डालना होगा, जो भी आपका एड्रेस होगा डॉक्यूमेंट में आपको वो यहाँ पर डालना होगा।
तो दोस्तों इसके बाद यहाँ पर आपको अपना पैन नंबर डालना होगा, जो भी आपका पैन नंबर होगा। उसके बाद आपको डिक्लेरेशन पे कंटिन्यू क्लिक करना होगा, ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करना होगा, जो भी आप हो, आप सैलरीड हो, सेल्फ एम्प्लॉय हो, प्रोफेशनल हो, होम मेकर हो, रिटायर्ड हो, स्टूडेंट हो। अगर आप सैलरीड हो तो आपको सैलरीड पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको अपनी एनुअल अमाउंट बतानी होगी, जो भी आपकी होगी, लेस देन है या ज़्यादा है, कम है, जो भी है आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा और कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। सिंगल है या मैरिड है, आपको जो भी है आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। यहाँ पर आपको अपनी मम्मी का नाम डालना पड़ेगा। यहाँ पर आपको अपना फादर्स नेम डालना होगा। आपको ईमेल आईडी डालनी होगी और कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको कंटिन्यू पर टैप करना होगा। जैसे ही आप कंटिन्यू पर टैप करोगे, दोबारा आपको कंटिन्यू पर टैप करना होगा। ओके, यहाँ पर आपको अपने वॉलेट की पिन बनानी है, जो भी आप अपनी पिन यहाँ पर बनाना चाहते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पर आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। क्रिएट एम पिन का मतलब है जो आपकी एम बैंकिंग है उसकी पिन यहाँ पर बन गई है। और देखिए जो ये यहाँ पर हमारे पास कोटक बैंक का SMS भी आ गया है, और जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है अकाउंट नंबर, ये हमारा अकाउंट नंबर है। आपको कस्टमर रिलेशनशिप नंबर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसी नंबर के थ्रू आप नेट बैंकिंग यूज कर पाओगे। यहाँ पर देखिए आपके IFSC नंबर भी दिखाई दे रहा है, IFSC कोड। यदि आपको RTGS अपने अकाउंट में लेनी पड़ जाए तो आपको ये जो है वो IFSC कोड देना होगा। आपको UPI नंबर भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओके, जो पिन आपने अभी एम पिन में डाली थी वही पिन आपको यहाँ पर एंटर करनी है, जो भी आपकी पिन है। लाइक मैंने ये पिन बनाई थी, और ये देखिए। तो जैसे ही आप अपनी एम पिन को एंटर करते हैं, तुरंत बाद आपकी एप्लीकेशन को एक्टिवेट करने के लिए आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक लिंक भेजेगा, ठीक है। उस लिंक को, उस कोड को आपको यहाँ पर डालना होगा, वो भी एक तरीके का OTP ही होता है, ठीक है, वो यहाँ पर आपको डालना होगा। ये देखिए यहाँ पर मेरी जो एम बैंकिंग ऐप्स है वो फुली एक्टिवेट हो गई है, आपको जस्ट क्लिक कर देना है। और ये देखिए ये जो मेरी ऐप है ये बिल्कुल जो है वो एक्टिवेट हो गई है। अभी यहाँ पर ये दिखा रहा है कि आप 1 लाख तक का जो है वो कर सकते हैं इसमें ट्रांजेक्शन, और आपको है ना बैंक वाले खुद कॉल करेंगे और आपका EKYC करवा के ले जाएंगे आपके गिवन एड्रेस पर। जो भी आपने एड्रेस डाला होगा वहाँ से वो खुद आएंगे और आपका EKYC बोले तो एक थंब एक्सप्रेशन लेंगे, फिंगर एक्सप्रेशन लेंगे, और आपको कोई डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं, आपको किसी ब्रांच में विजिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ पर कहोगे उनसे तो वो आपका डेबिट कार्ड भी इशू कर देंगे, आपकी चेकबुक वो खुद ही इशू कर देंगे, आपको कुछ भी नहीं करना होगा। ये देखिए मेरा अकाउंट नंबर खुल गया, आप जैसे कि देख रहे हैं ऊपर की तरफ मेरा नाम लिखा रहा है और नीचे की तरफ मेरा इफेक्टिव अवेलेबल बैलेंस दिखा रहा है, जो कि मैंने 0 बैलेंस पे इस अकाउंट को खोला था। तो आप भी इसी तरीके से जस्ट एक क्लिक करके अपने बैंक में अकाउंट खोल सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।